आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ इस सब्सक्राइब के बटन को दबा दें और वीडियोस को लाइक करना मत भूलें और साथ ही इस बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए जो एक्सरसाइज सॉल्व करूँगी वो है एक्सरसाइज 5.2। तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए पहले से कॉपी किया हुआ। आपका क्वेश्चन है रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स, ठीक है। क्वेश्चन है आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस टू ए प्लस वन। आपने इसे फैक्टर्स में रिजॉल्व करना है, तो आप इसे कैसे रिजॉल्व करेंगे? देखिए, इस सवाल को देख के दो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर देखिए हमें नज़र आ रही हैं। एक तो ये स्क्वायर का फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था टू टर्म्स के लिए, और बीच में नेगेटिव साइन हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। और एक मैंने आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला बताया था, जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो आप इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपने फार्मूला फॉर्मेशन इधर बनानी है, तो वो कैसे बनाएंगे ये देखिए। देखिए मेन आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा हमने इसकी अरेंजमेंट करनी है, क्योंकि बेसिकली इसको जो हमें लेकर आना है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में लेकर आना है। तो देखिए हम कैसे लेकर आएंगे। यहाँ मैं इस सवाल को थोड़ा सा अरेंज करूँगी। ये देखिए, अब इस बी स्क्वायर को मैंने अलग क्यों किया है? ये देखिए, यहाँ पे जब हम फॉर्मूला लगाते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वो होता है ए स्क्वायर इज इक्वल सॉरी ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यानी कि जो मिड टर्म हमारे पास होती है वो होती है टू ए बी। तो यहाँ पर ये देखिए टू आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। अब हम जो फार्मूला बनाएंगे तो इसके अकॉर्डिंग हमें जो है वो पूरे सवाल की सेटिंग करनी है। ये देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर है, तो हम इसके साथ जो फार्मूले के अकॉर्डिंग टर्म लेंगे वो होगी माइनस टू ए, और इसके साथ मैंने प्लस वन इसलिए लिया है क्योंकि इस टू के साथ ए है बी नहीं है। अगर यहाँ पर बी होता तो हम इसी को ले लेते। और दूसरी वजह ना लेने की वो ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पर बी के साथ माइनस साइन है, और फॉर्मूला क्या कहता है ये देखिए, ये देखिए यही फार्मूला है। मैंने आपसे क्या कहा था कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों का साइन पॉजिटिव होगा, और जो मिड वाली टर्म है आपके पास वो प्लस या माइनस हो सकती है, ठीक है, फॉर्मूले के हिसाब से। तो इसलिए देखें यहाँ पर एक वजह ये थी कि मैंने बी स्क्वायर को आगे बढ़ा दिया और वन को उसके साथ ले लिया, क्योंकि बी जो है वो नेगेटिव है और यहाँ पर बी है ही नहीं, तो इसलिए हमने इधर बी को लेना भी नहीं है। अब सवाल किस तरीके से हमने अरेंजमेंट कर ली। अब अरेंजमेंट करने के बाद ये देखिए हम यहाँ पर फार्मूला बनाएंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्ट्रक्चर बनाना है आपने। कहीं भी आप फार्मूला अप्लाई करेंगे तो वहाँ आप पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे, इससे आपको प्लेसमेंट करने में आसानी होगी वेरिएबल्स की या नंबर्स की। अब ये देखें ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर का मैंने इधर फार्मूला बना लिया। अब यहाँ पर आ जाएगा ए, इधर आ गया ए। अब ये देखिए बी क्या है, वन है, ठीक है। अब आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टू वन ज़ा टू ए, ये आ गई आपके पास मिड टर्म दोबारा। इसका मतलब है आपने सही तरीके से फार्मूला बनाया, ठीक है। और ये माइनस का बी स्क्वायर हमने एज इट इज़ आगे लिख दिया। अब ये पूरी चीज़ हम किस में इसको जो है वो बंद कर सकते हैं फार्मूले में, ए ये देखिए माइनस बी का होल स्क्वायर, माइनस ये आ गया आपके पास, ठीक है। यहाँ पे इस सवाल में एट अ टाइम आपके पास दो फार्मूले लग रहे हैं। एक तो सबसे पहले आप फार्मूला फॉर्मेशन बनाएंगे इस तरीके से, सवाल में बेसिकली जो आपका सवाल स्टार्ट होगा वो इस फॉर्म से होगा। सबसे पहले आपने ये फार्मूला यहाँ पर बनाना है, तीन टर्म्स कोई ऐसी लेनी है जिसकी मदद से ये फार्मूला फुलफिल हो जाए यहाँ पर सवाल के हिसाब से। और उसके बाद जब आप नेक्स्ट जो फार्मूलाज के ऊपर अप्लाई करेंगे वो ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है। बेसिकली ये दो फार्मूले यहाँ पे लगेंगे, यानी कि ये रिजॉल्व हो जाएगा, पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा। पहले आप इस पार्ट में इसको लेकर आएंगे, उसके बाद ये फिर इस फॉर्म में चला जाएगा। अब ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब ये किस तरीके से ओपन हो जाएगा, ए माइनस बी
और ए प्लस बी, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, कोई भी इस एक्सरसाइज से रिलेटेड, यानी कि क्वेश्चन नंबर वन, इसमें दो सवाल हैं, क्वेश्चन नंबर वन है और दूसरा है क्वेश्चन नंबर टू। तो क्वेश्चन नंबर वन में जो रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स है, इसमें जितने भी पार्ट्स हैं वो तमाम के तमाम पार्ट्स इसी तरीके से सॉल्व होंगे, बस आपने थोड़ा सा जो है वो सवाल को फॉर्मूलों के अकॉर्डिंग जो है वो उसकी क्या कहना चाहिए, इसकी जितनी भी हमारी टर्म्स हैं उनकी प्लेसमेंट करनी है बस। अब मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर थ्री सॉल्व करूंगी। ये देखिए, इस सवाल के अंदर जो है वो हमें फ़िलहाल कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आ रही कि हम इसके ऊपर a प्लस बी और a माइनस बी हो का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अगर हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकें। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, हम इधर थोड़ी सी अरेंजमेंट इस तरीके से करेंगे कि y4 के साथ हम z4 को ले लेंगे। ठीक है, और जैसा कि ये देखें यहाँ पर ये जो दोनों टर्म्स हैं यहाँ से हम कॉमन निकाल सकते हैं, इसलिए हमने इनको एक साथ कंबाइन कर दिया। अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम इजीली बना सकते हैं इस पर। ये देखिए बाहर स्क्वायर है तो अंदर भी स्क्वायर आ जाएगा, इसी तरीके से जेड पे भी स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस कॉमन आ रहा है, दोनों में टू कॉमन आ रहा है। और देखिए वाई कितने कॉमन हैं, यहाँ पर एक है यहाँ पर तीन है, तो इसका मतलब दोनों में से एक वाई कॉमन चला गया। इसी तरीके से z यहाँ पर 1 है यहाँ 3 है, तो एक z दोनों में से कॉमन चला गया। तो अब देखिए अंदर क्या बचेगा, आपके पास 2z कॉमन चला गया, एक y कॉमन चला गया, तो 2y बच गए आपके पास माइनस, और यहाँ पर 2z आपके पास जो है वो कॉमन आ गए बच गए सॉरी। अब ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी और a प्लस बी, और ये वाली टर्म आपके पास एज इट इज़ आ जाएगी। अब ये देखिए ये आपके पास टोटल कितनी टर्म्स हो गई, ये एक टर्म है पूरी और ये पूरी एक टर्म है। अब इन दोनों टर्म्स में देखिए आपके पास क्या चीज़ कॉमन आ रही है, ये ब्रैकेट। तो आप इसे इसी तरीके से वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इसको आप कॉमन ले लेंगे, और जो नॉन कॉमन होंगे उन्हें आप इस तरीके से ब्रैकेट बना के उसमें लिख देंगे, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और यहाँ पर आपके पास क्या बच रहा है, प्लस टू वाई जेड। ठीक है, ये पूरा ब्रैकेट आप चाहे तो ब्रैकेट बना लें और ऐसे भी लिख सकते हैं, ये पूरा ब्रैकेट आ गया आपके पास, ये प्लस का टू वाई जेड आ गया। अब देखिए यहाँ पर फिर वही जो हमने पिछले सवाल में अभी आपको बताया, यहाँ पे देखिए फिर वही दो पॉसिबिलिटीज आपको सामने नज़र आ रही हैं। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ आप क्या कर लेंगे इसके ऊपर a माइनस बी और a प्लस बी अप्लाई कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है इस तरीके से। चाहे तो आप इसको अरेंज भी कर सकते हैं, बीच में टू आई जेड ले आएँ, जेड स्क्वायर को वहाँ पे ले जाएं, और अगर नहीं भी करना चाह रहे ऐसे भी कर सकते हैं आप इसको, कोई मसला नहीं है। इसको फिल अप कर दें ब्रैकेट्स को, तो अब ये किस पे बंद हो जाएगा, चलिए यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया y माइनस जेड, y प्लस जेड, और ये बंद हो जाएगा हमारे पास y प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको देखें यहाँ ये मज़ीद क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम इसको, ये देखिए एक्सपोनेंट सिंप्लीफाई हो जाएंगे, ये देखिए y प्लस जेड पर 2 है, यहाँ y प्लस जेड पे 1 है, तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा y प्लस जेड की पावर 3, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो आपने देखा इस सवाल में भी वही जो मेथड हम पीछे क्वेश्चन में कर कर आ रहे हैं वही मेथड यहाँ पर भी हम फॉलो करेंगे, बस थोड़ा सा जो है वो उसकी स्टार्टिंग ये थी कि आपने इसमें यहाँ पर कुछ अरेंजमेंट्स करनी थी जो कि मैंने आपको करके बता दी कि यहाँ से कॉमन आ रहा था, तो इसलिए हमने इनको एक साइड पर लिख दिया, और ये
हमने इसको इसके साथ मिला दिया ताकि यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की सिचुएशन हम इधर बनाकर फॉर्मूला सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हालांकि मुझे अब आगे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सवाल में थोड़ी थोड़ी सिचुएशंस जो है वो ऐसी हैं कि मुझे आपको बताना पड़ रहा है कि इसको ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। ये देखें, अगर ऐसी कोई सिचुएशन है सवाल में, अगर आपको उसको इस तरीके से कोई सवाल आपको इस तरीके से दिया जा रहा है, तो आपने उसे कैसे सॉल्व करना है, तो उसको सॉल्व करने का भी तरीका बहुत ही आसान है। ये देखिए, ये एक्स स्क्वायर आ गया, उसके बाद ये देखिए माइनस एक्स हम इसके साथ रख देंगे, उसके बाद ये आ गया प्लस 1/4। अब ये देखिए, ये जो यहाँ पे अलग सी हमें टर्म नज़र आ रही है माइनस वाई स्क्वायर, जिसका कोई ये समझ रहे मिसमैच है, ये तो इसको हम आगे रख देंगे। ठीक है, इन तीन टर्म्स के बाद हम इसको जो है वो रख देंगे यहाँ पर साइड पे। अब फॉर्मूला बनाएंगे हम इन तीन टर्म्स पे, ए स्क्वायर इसकी वजह से आ गया बीच में माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अब यह आ गया माइनस वाई स्क्वायर। अब बाकी यहाँ पर सब कुछ वैसे ही हो जाएगा, ये देखिए 1/4 है तो 1/2 हो जाएगा, ये आ गया 1/2। अब ये देखिए, अगर ये 2 से कट जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x1 x। ठीक है, इसका मतलब है सवाल। अब ये देखिए, ये फॉर्मूले में बंद हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये आ गया माइनस वाई स्क्वायर। अगेन यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी ए प्लस दिस इज योर। ठीक है, सवाल कोई भी हो सॉल्व इसी तरीके से होगा। अब ये देखिए, बुक के अंदर ज़रा मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ। ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, तो यहाँ पे जो माइनस बी स्क्वायर है ये थोड़ा सा अलग है। ये देखें, 6 के साथ क्या है, ए सी, तो यानी कि आप जब फॉर्मूला बनाने के लिए जो तीन टर्म्स आप लेंगे तो वो इसके हिसाब से लेंगे ए सी, तो इसका मतलब ये ले लेंगे, ये ले लेंगे और ये ले लेंगे, तो माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, वो आगे चला जाएगा। ठीक है, हर सवाल इसी तरीके से होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में मैं आपके पास जो है वो ये देखें, क्वेश्चन नंबर 9 में आपने कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सिर्फ एक सिचुएशन बनानी है, वो किस तरीके से बनेगी, देखें चीज़ वही है, सिर्फ मैं आपको पूरा सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगी। ये देखें, ये एस स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा यहाँ पर। अब ये देखें, ये टी स्क्वायर है, 8 के साथ टी है, और ये आ गया कांस्टेंट नंबर या होल नंबर 16, तो इसका मतलब है फॉर्मूला इन तीनों पर बनेगा। बस ये देखें, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर जो फर्स्ट टर्म है उसके साथ अगर नेगेटिव साइन होगा तो वो नेगेटिव साइन आपने सिर्फ कॉमन लेना है, और जब आप नेगेटिव साइन कॉमन ले लेंगे तो अंदर के तमाम साइन जो है वो क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे या चेंज हो जाएंगे, सॉरी पॉजिटिव नहीं चेंज हो जाएंगे, जो माइनस साइन होंगे वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो प्लस हैं वो माइनस में हो जाएंगे। तो ये देख सकते हैं आप, ठीक है, अब यहाँ पर आप इजीली फॉर्मूला बना सकते हैं और फिर आगे ये उसी तरीके से सॉल्व होगा। सिर्फ मैंने आपको ये चीज़ यहाँ पर बतानी थी कि माइनस साइन हम कैसे जो है वो कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे, और उसको कैसे जो है वो फॉर्मूला स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। तो चलिए, वीडियो को यहीं पर हम एंड करते हैं, इसी उम्मीद के साथ कि जो आज मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।